चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। माँ जी मुझे तो आप मत देखें, मैं कुछ नहीं कर सकती। उत्तर हारस तू बता पुत्र क्या करना है। ओ, मैं क्या बताऊं माँ जी, महमूद साहब आप ही कुछ बताएं यार, आपका माशाल्लाह इतना बड़ा मुंह है। अरे अब इतना बड़ा मुंह भी नहीं है जितना तुम कह रहे हो, और जिसने करना था उसने नहीं किया तो मैं क्या बताऊं भाई। अरे अगर उसने नहीं किया यार तो क्या हम भी नहीं करेंगे। अरे कैसे करें नबील यार, अगर हमें वो करना आता होता तो हम ये करते, हम वो ना करते। नबील तुम लोगों को उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि तुम लोग उसके बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। जानू अगर तुम कर सकती हो ना तो भाई तुम कर लो। पर यार मैं क्यों करूं, मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूं पूरा। माँ जी अब आप ही हैं जो हमें बचा सकती हैं। पर ना पुत्र मैं वो नहीं कर सकती, मुझसे तो पहले ही बड़ी मुश्किल से याद होता है जो वो लिखता है ना, उसके बगैर तो मैं वो कर ही नहीं सकती। आयशा बाशे। ओ यार मैं मूसा आप ही बताए ना कुछ यार, क्या करे, उसने तो मरवा के रख दिया हमें यार। नबील मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओ यार महमूद साहब आप नहीं कर सकते। अरे अगर मैंने किया तो मेरे होंठ तो एंजेलिना जोली जैसे हो जाएंगे। सोचे अल्लाह का वास्ता, आप सोच ही ले। अच्छा हाँ सोचते हैं, चलो सोचो सारे सोचो। ओ हेलो किधर मुंह चला रहा है भाई। अरे बाबा मैं अपना मुंह भला घर पे छोड़ के आता क्या। तो यहाँ क्या करने आया है भाई। अरे बाबा शूटिंग देखने आया है। ओ भाई आज कोई शूटिंग वूटिंग नहीं हो रही है। क्यों? ओ यार वो राइटर ने स्क्रिप्ट ही नहीं भेजा यार। अरे बाबा। ओ यार नबील भाई पहले ही बड़ी टेंशन में यार। अरे बाबा जैसे वो राइटर लिखता है ऐसे आइडिया हमारे पास भी है, हमारे से ले लो ना। सही भाई क्या बकवास कर रहा है। अच्छा बाबा अब तुम बताओ अब क्या करेगा। ओ यार वही तो सोच रहे हैं करना क्या है। सोचो बाबा सोचो, हम बाद में आएगा, अभी तो हमारा टाइम अच्छा चल रहा है ना। सही आइडिया आ गया, आइडिया आ गया। क्या आइडिया आया महमूद साहब। भाई क्यों ना किसी और राइटर को ट्राई कर ले, आजकल हर राइटर उसी की तरह तो लिख रहा है। तो कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, अली इमरान तप जाएगा, आपका तो पता है कितना तपू है वो। अरे तू उसे फोन करके बोलो ना यार कि स्क्रिप्ट भेजे, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो पुत्र हम इधर स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं। ओ नहीं माँ जी, हम हैदराबाद की बस का इंतजार कर रहे हैं। तो चलो फिर चले बस स्टैंड पे। ओ यार महमूद साहब आप भी उफ कर ले यार। आए आप चलो महमूद साहब। टाइम क्या हुआ है। अरे टाइम को छोड़ो तुम नंबर मिलाओ उसका। यार महमूद साहब कहीं सो ना रहा हो। अरे वो सो रहा होगा या उसका मुंह। अरे मुंह उसका बड़ा छोटा हो गया महमूद साहब, सुना कवाली सुनने जाता है वहाँ उनके कवालों की ताली में आता है उसका मुंह। अब फिर तो लंबा हो गया होगा जरा सा। जी जी मिलाओ मिलाओ, जरा गुस्सा भी तो दिखाना है। हाँ 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 हेलो यार अली जानी, ऐसे कैसे चलेगा यार। क्या हुआ नबील भाई। ओ यार तूने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं भेजा, ये बता हम करेंगे क्या। हमारे लिए मसला कोई नहीं है। कर तो हम सकते हैं लेकिन अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। नबील भाई मैं बहुत बुरा फंसा हुआ यार, मेरे घर की शिफ्टिंग चल रही है इसलिए डिग नहीं सका। ओ भाई शिफ्टिंग तो तेरी पिछले 4 साल से चल रही है यार, और एक बात सुन मेरी, वो जो सोफे थे ना फैसल भाई ने दिलवाए थे वो ना ले जाई वहां। हाँ ओ यार तू स्क्रिप्ट नहीं दे रहा, सब लोग आगे बैठे हैं यार, मुझे बता मैं क्या करूं। नबील भाई 250 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं, आप एक एपिसोड खुद ही लिख सकते हैं। यार खुद तो हम तुझसे बहुत ज्यादा अच्छा बना लेंगे, लेकिन भाई अब क्या करें ये बताना यार। नबील भाई मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल खाली है, कुछ समझ में आया ना तो लिख दूंगा वरना आप शूटिंग कैंसिल कर दे यार। ओ यार अली कैसे शूट कैंसिल कर दें यार, लोग हमें देख रहे हैं टीवी के सामने बैठे हुए हैं, हम क्या करें। आप लोगों को बैठ के देखें। ओ हेलो अली, अली क्या हुआ नबील। अली ओके अली बाय। क्या हुआ। कुछ नहीं, भरम में आ गया मेरे, सिचुएशन सोच रहा है। अच्छा चलो फिर हम भी रिलैक्स करते हैं। अरे नहीं महमूद साहब रिलैक्स नहीं करना, चले चल के जरा सिचुएशन सोचते हैं। चलो चलो आजे, आजे। क्या हुआ नबील, अली से बात हुई। हाँ हुई है बात। तो कोई सिचुएशन दी उसने। हाँ अभी सोच रहा है, दे देगा, उसने जाना कहाँ है, उसे मेरे गुस्से का अच्छी तरह पता है, मेरी पिशावरी चप्पल से ऐसा डरता है ना वो। पिशावरी चप्पल से नहीं डरता, उसके नीचे जो कीलें लगी हुई है ना उससे डरता है।
तो पुत्र इतनी देर हम इधर बैठ के क्या करें? मोमो तुम एक काम करो, तुम जाके अच्छी सी चाय बनाओ, हम यहाँ सोचते हैं। वशे वशे। अभी लो। यार नबील मैं तो कहता हूँ हम खुद को ही आइडिया सोच लेते हैं यार, ऐसी क्या बात है। चले आप लोग बैठ के आइडिया सोचे, मैं जरा स्कूल से सोना चांदी को ले आऊं। नबील मैं जरा ना बाथरूम से होके आया, तुम उतनी देर आइडिया सोचो, तुम बहुत अच्छा आइडिया सोचोगे। ओ यार मैं वो साहब वो सब चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए हो यार। ओ माँ जी चाय बनाए, मैं भी लाउंज में सोचूंगा यार। वाह 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 मोमो क्या चाय बनाई है। थैंक यू। वाह माँ जी वाह, क्या चाय बनाई है। लाची पाई सी, मैं कुट के लाची पाई सी। मुझे तो दालचीनी की भी खुशबू आ रही है। कुट्टी सी ना। अरे माँ जी आपने चाय बनाई है कि हांडी पकाई है, वाह वाह वाह। यार नबील ये हम क्या फजूल लाइनें बोल रहे हैं यार। हाँ यार मैं मुसा उस घटिया आदमी को फोन में लाए यार। यार मेरा फोन ही नहीं उठा रहा कंपा। एक राइटर ऐसा कैसे कर सकता है महमूद साहब। वैसे ये गुलजार साहब की लाइन है जो उन्होंने अली के लिए कही थी। यार नबील तुम लगाओ उसे फोन जरा। अच्छा महमूद साहब करता हूँ। महमूद साहब मुझे लगता है सो रहा होगा, बल्कि ट्रेडमिल पे होगा। यार मैं मूसा मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। यार ये शफकत जीमा नुमा आदमी ने तो हमें जलील करवा के रख दिया है। मैं देखता हूँ यार मैं मूसा कौन है। यार मोमो क्या करें? कुछ नहीं एक एक कप और हो जावे। अरे मेरा बच्चा आ गया। पापा? जी जान। मेरी अंकल ने फ्रिज भेज दी। जानू इसे कैसे पता चला? इसे क्या है नबील, इसके पूरे स्कूल के बच्चों को पता है। क्या? जी हाँ, इसकी क्लास टीचर मुझसे पूछ रही थी कि अली इमरान ने स्क्रिप्ट नहीं भेजा तो आप लोग करेंगे क्या। घटिया आदमी, वो क्या समझता है उसके स्क्रिप्ट के बगैर हम एपिसोड नहीं बना सकते। चलो चांदी बेटा आप जल्दी से जाके मुंह हाथ धो, फिर मैं आपके कपड़े चेंज कराती हूँ। गो। जानू आज तुमने और चांदी ने बड़ी मैचिंग की है भाई। देख लो बेटी किसकी है। रानू वैसे बड़ी प्यारी लग रही है आज। क्या चाहिए? कुछ नहीं कुछ नहीं। हजार का नोट एक नहीं नहीं खैर खैर हम पहले स्ट्रिप लिखवाओ। हाँ, फिर सोच। हाँ, हाँ, जी जान। आए बाबू सा। अरे सोना कहाँ है यार? हाय हाय अभी तो सोकर उठे फिर कह रहे हैं सोना कहाँ है। अरे हमारा बेटा सोना कहाँ है, तुम सोने को लेकर नहीं आई? नहीं महमूद साहब मैं तो नहीं लेके आई, वो तो आपके साथ आ गया है ना। अरे मैं कैसे लेकर आ गया हूँ यार, बच्चों को तो तुम लेने गई थी। लेकिन सोने के टीचर ने तो कहा है कि सोने ने उनसे कहा है कि सोने के पापा लेने आए हैं और वो अपने पापा के साथ चला गया। क्या मैं सोने का पापा नहीं हूँ? बताओ मोमो सोना किसके साथ गया है, सोने का पापा कौन है? बताओ मोमो सोने का पापा कौन है? सोने का पापा मुस्तकीम है। अरे उसका बाप मुस्तकीम है तो फिर मैं कौन हूँ? अरे मैं आज तक उसे अपना बेटा समझकर अपनी दौलत उस पे लुटाता रहा और आज तुम मुझे कह रही हो कि उसका बाप मुस्तकीम है? खुदा का खौफ करे महमूद साहब क्या फजूल बातें कर रहे हैं यार। इस औरत ने मुझे धोखा दिया है नबील। खबरदार जो मुझ पे वो लगाने की कोशिश की। वो क्या? यार ये सब क्या हो रहा है नबील? और जानू ये सब कुछ उस अली इमरान घटिया की वजह से हो रहा है, अगर वो हमें सिचुएशन दे देता तो ये कुछ नहीं होता। नबील क्या नबील कहीं ये सिचुएशन अली इमरान ने तो नहीं दी हमें? यार महमूद साहब हो सकता है ये सिचुएशन अली इमरान ने दी हो। क्या मतलब? हाँ भाई इसने सोने को गायब कर दिया, अब हमें उसे ढूंढना होगा। अब समझ ले कि सोना गुम हो गया, हमें उसे ढूंढना है, ये आज की सिचुएशन है। लेकिन नबील हम सोने को ढूंढेंगे कहाँ से? हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अभी आ जाएगा किडनैपर का फोन। लो आ गया फोन। हेलो नबील भाई, अली इमरान बोल रहा हूँ। अरे वाली जाने मान गए तुझे, क्या सिचुएशन सोची है तूने? आपको कैसे पता चल गई? मैंने भाई बताने को तो फोन किया था। अरे हमें पता चल गई है जानी, तू बड़ा तेज है, सोने को अगवा करा दिया। क्या हो गया नबील भाई, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्यों सोने को अगवा करूंगा भाई? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं यार। मजाक मत कर यार। अरे मजाक आप कर रहे हैं भाई, मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा तो आप मुझ पे केस डालना चाह रहे हैं? जानी ऐसा मत बोल, सोना स्कूल से वापस नहीं आया। क्या? हाँ यार वो सचमुच में तो अगवा नहीं हो गया नबील भाई। क्या हुआ नबील, अली का फोन था? बोल पुत्र आगे क्या होगा। ओ मां जी आगे को दबा कर रहे हैं यार, सोना सचमुच अगवा हो गया। ओए लोए मामा, नहीं मामा
तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम्हें पहले बताना होगा, तुम्हें बताना होगा मोमो कि सोने का बाप कौन है, कौन है, कौन है। ओ खुदा का नाम माने महमूद साहब, यार सोने को ढूंढे। अरे मैं किसी और के बच्चे को क्यों ढूंढू? अरे सोना आप ही का बच्चा है यार। नहीं, पहले साबित करो कि वो मेरा बच्चा है, फिर मैं उसे ढूंढूंगा। अरे उसके इतने ज्यादा बाल है, वो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? नबी तुम महमूद साहब को छोड़ो और माँ जी को संभालो यार। माँ जी आप ठीक है ना? पुत्र मैं भूख की वजह से बेहोश हो गई थी ना। नहीं माँ जी, आप भूख की वजह से नहीं बेहोश हुई थी। फिर सोना? और क्या हो गया मेरे सोने को? सोना गुम हो गया। कहाँ गायब हो गया बताओ, मुनव्वर कहाँ है मेरा सोना? मुझे क्या पता हो, उसका बाप उसे ले गया है स्कूल से। उसके बाप तो आप हैं मुनव्वर हसन। नहीं मोमो, मैं उसका बाप हरगिज नहीं हूँ। अरे मुझे तो आज एहसास हुआ है कि उसके इतने ज्यादा बाल हैं, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो मेरा बेटा नहीं है। महमूद साहब फजूल बातें मत करें, वो आप ही का बेटा है। अरे तुमने आज तक किसी बेटे को अपने बाप का नाम लेते हुए सुना है? वो मुझे महमूद साहब कहता है, अरे वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? नमाज साहब जी सोना लो यार सोना। ओए अब मैं क्या करूं? है मुझे तो अपने सोने की शादी के लिए ना मीर मीर लड़कियां भी देखनी थी। माँ जी आप मत रोए, सोना मिल जाएगा। और जब उसकी शादी नहीं होगी तो मुझे सोना कैसे मिलेगा? गॉड हाँ हाँ हेलो हाँ अच्छा नहीं आपकी तरह भी नहीं चले ओके। जानू सोने के सब दोस्तों के घर फोन करके देख लिया, किसी के घर पे भी नहीं है वो। ओए मेरा बच्चा कहाँ चला गया? जानू कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसे फोन करूँ, कहाँ ढूंढूं उसे। नबील भट्ट साहब को फोन करो, शायद वो ही कोई मदद कर दे हमारी। ओए भट्ट को फोन मिला, पता है भट्ट को फोन मिला। मिला रहा हूँ माँ जी, मिला रहा हूँ माँ जी, हौसला रखे हौसला रखे माँ जी। हेलो सलाम अलैकुम भट्ट साहब। हाँ नबील क्या सीन है यार? भट्ट साहब बड़ा मसला हो गया यार। और यार मुझे पहले ही पता था इस बात का, इसीलिए तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ। आपको कैसे पता चला भट्ट साहब? और यार मुझे और कोई काम तो है ही नहीं, तुम्हारे घर के आसपास ही टहलता रहता हूँ, पता नहीं कब एंट्री का चांस मिल जाए। और दरवाजा खोल यार, बाहर बड़ी गर्मी है। ठीक है भट्ट साहब मैं दरवाजा खोलता हूँ। माँ जी प्लीज हौसला करें, मिल जाएगा वो। चलो भी जल्दी से बताओ कि इस एपिसोड में क्या हुआ है। ओ भट्ट साहब हमारा सोना गायब हो गया है यार। सोना गायब हो गया? वो तुम लोगों ने खरीदा कब था? भट्ट साहब यार तुम लोगों की किस्मत बड़ी खराब है, अभी सोने के रेट बढ़े थे और सोना गायब हो गया। ओ भट्ट साहब पूरी बात तो सुन ले यार। यार एक बात समझ में नहीं आती, तुम लोगों के घर 500 बार चोरी हो चुकी है, हर बार सोना निकल आता है, अंदर सोने की कान लगी हुई है क्या? ओ यार भट्ट साहब वो सोना नहीं, महमूद साहब का बेटा सोना गायब हो गया है। क्या? और टोपी वाले मेरा बेटा बेटा नहीं है, वो भाई है इसका लंबू का। हैं? ओ ये क्या नया ड्रामा भाई? ओ यार इन्हें छोड़ें। भाई मेरे पीतल को ढूंढ लें भट्ट साहब, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मजीद? हाँ भट्ट साहब। ओ यार फिर तो ढूंढना ही पड़ेगा। जी भट्ट साहब। अच्छा ये बताओ किसी का फोन आया? ओ भट्ट साहब फोन तो बहुत सारे लोगों के आए हैं। अरे मेरा मतलब किसी किडनैपर वगैरह का फोन आया था क्या? नहीं नहीं। चलें जब तक किडनैपर फोन नहीं करता वेट करेंगे। आप वेट की करेंगे क्या? भाई भूख लगी है, कुछ खाना वाना ना खा लें क्या? मेरा तो वो खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। वो क्या माँ जी? जो ये लोग खा रहे हैं। ओ हम तो कोफ्ते खा रहे हैं भाई। ना ना वो। लेकिन हमने तो सिर्फ कोफ्ते ही खाए हैं, कोई और डिश भी है क्या खाने में? हाँ खाना, मेरा तो बिल्कुल खाना खाने का दिल ही नहीं चाह रहा। शर्म करें महमूद साहब, हमारा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा और आप खाना खा रहे बल्कि ठूस रहे। अरे तो मैं क्यों भूखा रहूं भाई, जिसका बेटा है वो भूखा रहे, मैं तो खाना खाऊंगा। ओह भाई खाना तो बड़ा लजीज है, मीठे में भी कुछ है क्या? ओ भट्ट साहब बस कर दें यार, हमने आपको यहाँ सोने के लिए बुलाया था। ओ भाई सोऊंगा तो मैं अपने घर जाकर। भट्ट साहब सोने से मतलब है माँ जी के बेटे सोने के लिए। अरे हाँ सोने से याद आया,
किडनैपर का फोन नहीं आया अभी तक? नहीं बट साहब। ओ कोई नहीं, हो सकता है उनके फोन में बैलेंस खत्म हो गया। एक काम करो नबील, तुम किडनैपर को खुद फोन कर लो। ओ यार मैं कैसे फोन कर लूं? क्यों, तुम्हारे मोबाइल में भी बैलेंस खत्म हो गया क्या? ओ नहीं बट साहब, मुझे क्या पता किसने किडनैप किया है। ओ बस कर दो यार, जिस तरह बुलबुले में मैं एक ही पुलिस वाला हूँ ना, किडनैपर भी दो ही है। अरे हाँ नबील, उनका नंबर तो तुम्हारे पास सेव्ड होगा। ओ जानू नंबर तो है मेरे पास, लेकिन उनका नाम क्या था? टॉमी और मोती। हेलो, आप मोती? नहीं नहीं नबील भाई, मैं टॉमी बोल रहा हूँ। यार टॉमी, सोना नहीं मिल रहा क्या तुम्हारे पास है? अरे कहाँ नबील भाई, हमें तो पूरी जिंदगी गुजर गई, हमने सोना नहीं देखा। हाँ भाई, मेरी तो शादी पे भी सुसर ने प्लास्टिक की घड़ी बनाई थी। और तेरे सुसर ने बहुत अच्छा किया था, प्लास्टिक की घड़ी बनाई थी। अगर मैं होता ना तो मैं दंदी काट के घड़ी बनाता। ओ भाई मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा, हमारे सोने की बात कर रहा हूँ, अपने सोने की। क्या क्या हुआ सोने को नबील भाई? यार वो गुम हो गया है। क्या, सोना गुम हो गया? ओ तू क्यों मलका जज्बात बन गया भाई, तू क्यों इतना रो रहा है? सोना नहीं था क्या? अच्छा बताए फिर मुझे फोन क्यों किया? ओ मैंने सोचा हमेशा की तरह ये किडनैपिंग तुमने की होगी। अरे नहीं नहीं नबील भाई, हमने तो ये सब किडनैपिंग वगैरह छोड़ दी है। क्या तुम लोगों का दही भले लगा लिए? हाँ हाँ, पिछली बार माजी ने हमारी बड़ी क्लास ली थी, उसके बाद हमारी आंखें खुल गई। अच्छा? हाँ हाँ, अब तो मैं और मोती ड्रामों में छोटे मोटे रोल करते हैं, और ये सब बुलबुले की वजह से हुआ। थैंक यू नबील भाई, थैंक यू। ओ बस कर दे, बस कर दे, चल फोन रख। क्या हुआ? ओ बट साहब, उन्होंने भी सोने को अगवा नहीं किया। क्या? मेरा सोना गटर में गिर गया। यार नबील, अपने सोने को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? पता नहीं भट साहब, यार मुझे नहीं लगता नबील के अपना सोना मिलेगा। मैं अपने लोहे को खुद ढूंढ के लाऊंगी, हट जाओ। माजी। हाँ। तुम लॉन में छुपे क्या कर रहे थे? यार नबील, मैं तो तुम लोगों की हेल्प कर रहा था। कैसी हेल्प भाई? वो इन लोगों की अगर आज के एपिसोड की सिचुएशन ही नहीं थी ना। हाँ तो? मैं तो क्लास में बैठ के सोच रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक आइडिया दिया। कैसा आइडिया? यही कि आज के एपिसोड में मैं गुम हो जाऊँ और आप लोग मुझे ढूंढे। ये सब तूने सिचुएशन बनाने के लिए किया था? हाँ ना यार नबील। यार कुछ भी है नबील, इस बच्चे ने आज का एपिसोड निकाल दिया। थैंक यू यार सोना, थैंक यू वेरी मच। मुझे तुझ पर फखर है आलम। ऐशा वैसे। ये चीज मेरी, चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, आओ 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 आज 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 आज। मैं भाव साहब, क्या हुआ है? सोना मिल गया महमूद साहब। मैं क्या करूं? आपको खुशी नहीं हो रही आपका बच्चा मिल गया? अरे छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ कि सोने का बाप कौन है? चुबे! चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की नहीं।